अच्छा जय भीम। जय भीम। मैं नेहा शिंदे बोल रही हूँ महाराष्ट्र की। सर मैं कल से सुन रही हूँ कि आपने कुछ ऐसा बोला है कि जय भीम जो बोलेगा उसको उसके ऊपर केस की जाएगी। बिल्कुल मैडम ऐसा नहीं है, शिंदे मैडम बिल्कुल ऐसा नहीं है। हाँ। किसी ने गलत न्यूज चला दिया उसको मैं इंक्वायरी भी करवा रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारी बाबा साहब तो पूरे देशों के आदरणीय है, हम लोगों ने नौकरी के पहले पढ़ा है उनको, कंस्टिट्यूशन बनाया, कैसे बोल सकते हैं ऐसा। सही बात, मैं वही बोल रही हूँ कि हर एक आज हमारा देश संविधान पर चल रहा है, जो संविधान बाबा साहब ने लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप भी जिस चेयर पे बैठे हैं वो संविधान की वजह से ही वहाँ पे पहुँचे। और क्या बाबा साहब के बनाए कानून का हम पालन करते थे। और सर कोई ऐसा बोलेगा तो दुख होता है, और वो भी एक बड़े ऑफिसर है आप, है ना, और आपसे काफी उम्मीदें रहती है लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। आप तो आप मैडम लिखिए कि साहब से मेरी बात हुई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं नहीं, मैं इसीलिए कॉल किया। देखिए मैंने भी तो बहुत सारी पोस्ट की है, ओके। मैं आपसे सुबह से फोन करना चाहती थी, कंफर्म करना चाहती थी बात कि सही क्या है गलत क्या है, ओके। लेकिन बिल्कुल मैडम आप चिंता ना करें, हम लोग बड़ा सम्मान है बाबा साहब के प्रति। सही है साहब, और हर एक को सम्मान करना ही चाहिए क्योंकि वो महामानव है। ऐसा महामानव अगर किसी और देश में पैदा होता तो सोचिए कि उसका क्या अहदा होता था, है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। और ऐसे महामानव के लिखिए कि मेरे साहब से बात हो रही है, सरासर गलत है मेरे प्रति। हाँ। मुझे प्रति बहुत सम्मान है मेरे दिल में, ठीक है ना। अरे ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग है ना हमारी अपनी और हमारी बात, वही मैं डाल दूंगी। हाँ। सबके ओके। बहुत सम्मान है, बाबा साहब ने देश को बहुत कुछ दिया है भाई। हाँ सर सही बात है, आपसे हाँ आपसे बात करके मुझे अच्छा लगा। गुस्सा कल से इतना गुस्से में थे हम लोग कि अभी मैंने तो ट्वीट कर दिया कि मुझे मौका मिला तो मैं उज्जैन में जाऊंगी और एसपी मनोज कुमार साहब के सामने तनके में जय भीम बोलूंगी और उनसे भी बुलवाऊंगी। खुद ही कह रहा हूँ, जय भीम बाबा साहब से बड़ा इतना देश को किया, चिंता मत लिखिए। हाँ। हाँ। बहुत ही सम्मान हमारे मतलब बहुत बचपन से है। ओके ओके सर, मैं राजी साहब का विद्यार्थी रहा हूँ, बहुत पढ़ा हूँ बाबा साहब को शुरू से ही। अच्छा, उनके प्रति दिल में हमारा बहुत आदर है भाई, बहुत ही आदर है। ऐसे पोस्ट कैसे चली? असल में किसी सर्वियल पत्रकार ने छाप दिया किसी का, अच्छा पत्रिका पेपर में जिनका कोई वजूद नहीं। ओके ओके, उसकी मैं इंक्वायरी करा रहा हूँ कैसे छाप, कौन छापा, ठीक है ना। हाँ सही बात है, इंक्वायरी बैठाया है मैंने, ठीक है ना। ओके ओके ओके, चिंता मैडम आप लिखिए और बताइए इस बात को साहब से। जरूर जरूर मैं बताऊंगी सबको, और आपको फिर से एक बार क्रांतिकारी जय भीम महाराष्ट्र की तरफ से। जय भीम, बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ओके जय भीम, और मौका मिला तो मैं जरूर मिल जाऊंगी आपको, ठीक है। बिल्कुल, मोस्ट वेलकम, आपके बाबा वहाँ का दर्शन करने आइए। यस 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 यस, जय भीम, ठीक है। ओके जय भीम। अगर आप चाहते हैं गरीब हर वंचित इंसान की आवाज आप तक पहुंचे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। देखते रहिए भजन हलचल न्यूज़।